अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने कुछ रेयर प्लांट एंड एग्जॉटिक प्लांट की शॉपिंग दिखाऊंगी, जो कि मेरी विश लिस्ट में थे। वन बाय वन हम उसका व्यू करेंगे और मैं उसके बारे में बताऊंगी, नेम, प्राइस, डिटेल एंड आइडेंटिफाई करेंगे उसकी। ये मेरे कुछ प्लांट की शॉपिंग है, आप देखेंगे माशाल्लाह से। अच्छा, वन बाय वन मैं बताऊंगी। मेरे पास मैंने कुछ इस दफ़ा एग्लोनीमा की कुछ वैरायटी ली है मैं, क्योंकि इनकी कलेक्शन कर रही हूँ अपने प्लांट, अपने गार्डन की। कुछ ऐड करूंगी कलरफुल प्लांट और कुछ न्यू कुछ चेंज लाऊंगी अपने गार्डन में। तो उसके लिए कुछ मैंने ऐसे प्लांट ख़रीदे हैं जो एग्जॉटिक भी हैं और रेयर भी हैं। चले हम वन बाय वन करके देखते हैं, जो कि मेरी इस वीक की शॉपिंग है। अच्छा, ये मेरा एक एग्लोनीमा की वैरायटी है, माशाल्लाह से मैंने इस वीक ये परचेज किए हैं। अच्छा, ये मैंने कुछ जो शॉपिंग की है दो दफ़ा में की है। हो सकता है आप मेरी शॉपिंग से कतई बोर नहीं होंगे और इन्जॉय करेंगे। अच्छा, ये एग्लोनीमा की वैरायटी है, माशाल्लाह से कितना ब्यूटीफुल प्लांट है। आप इसको करीब से देखेंगे, थोड़ा मैं जूम करती हूँ इसको कैमरे को, देखिए कितना ब्यूटीफुल, कितना परमानेंट है इसका, कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा लग रहा है ये। इसका पिंक कलर कितना ब्यूटीफुल है और कितना वाइब्रेंट है माशाल्लाह से। अच्छा, इसकी ये जो ऊपर के जो लीव हैं डे बाय डे बढ़ते बढ़ जाते हैं और ब्रॉड हो जाते हैं। जो जब स्टार्टिंग में इनकी जो ग्रोथ होती है तो इसका लीव का कुछ टेक्सचर आप देखेंगे कुछ ऐसा है और ऐसा है। टू टाइप्स के इसमें लीव्स हैं और नीचे भी कुछ ग्रीन ज़्यादा है, उसके बाद इसके पिंक ज़्यादा आ गए। कॉर्नर में एक ऐसी लाइन आ गई है, आउटलाइन सी है ग्रीन। तो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट है ये एग्लोनीमा की वैरायटी, जिसों को मैंने अपने गार्डन में ऐड किया है। इसके अलावा मैं आपको एग्लोनीमा की और वैरायटी दिखाऊं, जो कि बहुत ही रेयर प्लांट है ये, माशाल्लाह से मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है, क्योंकि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। लेकिन पता नहीं मुझे किस तरीके से ये प्लांट मिला और मैंने फ़ौरन ही ये परचेस कर लिए। इसके अलावा एक ये प्लांट है, जो कि एग्लोनीमा की ही वैरायटी है, माशाल्लाह से इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती हैं कराची में, लेकिन मुझे मिल गए ये। और ये देखें, इसमें बहुत ही हेल्दी प्लांट है, कुछ न्यू लीव भी प्रोड्यूस हो रहे हैं मेरी हर प्लांट में और बहुत ही रेयर है। देखें कितना ब्यूटीफुल है, बस थोड़ा सा मेखा से कुछ इसमें ये देखें थोड़ा सा कोई मुझे लग रहा है क्रॉलिंग कोई इंसेक्ट है, जिसकी वजह से ये इसने इसको लीफ को खाया। लेकिन हेल्दी प्लांट है ये माशाल्लाह से, काफ़ी इसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है और इसकी आप कंपोस्ट भी देखेंगे बड़ी अच्छी उसकी, मुझे इतनी जल्दी रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा ये कि इस प्लांट के बहुत अच्छा है मेरे लिए तो। और इसके अलावा ये दूसरी वैरायटी है, जो कि इसमें लगी हुई थी दूसरे प्लांट में, और मैंने इसको थोड़ा सा पॉट पड़ा था, इसको मैंने साइड पर लगा दी, इसकी रूट नहीं बनी है, उन्होंने साइड पर लगाया हुआ था। थोड़ा सा मैंने इसको रेन वाटर डालकर इसकी रूट के लिए इसको तैयार होने के लिए रखा है, अल्लाह करे इसकी भी रूट बने और मेरा एक प्लांट तैयार हो जाए। चले मैं आगे लेकर चलती हूँ, जो मेरे कुछ रेयर प्लांट हैं। आजकल मैं कुछ रेयर प्लांट की शॉपिंग कर रही हूँ, मैंने काफ़ी कलेक्शन मेरे पास हो गई है, क्योंकि मैं कुछ गार्डन में ऐड करूँगी कलरफुल प्लांट भी अपने। अच्छा, इसके अलावा ये देखेंगे माशाल्लाह से बहुत ही ब्यूटीफुल है ये, कितना वाइब्रेंट है इसका कलर और कितना अच्छा लगता है। ऐसे कुछ न्यू प्लांट आपके गार्डन में ऐड होते हैं और बहुत ही ब्यूटी देते हैं इस टाइप के प्लांट आपके गार्डन में। ये भी कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसके शुरू में तो लीव्स थोड़े देर पिंक से थे, उसके बाद इसके ये देखें लाइट, इसमें डार्क पिंक भी होता है, लेकिन लाइट पिंक मैंने इसलिए कि मेरे पास दूसरे जो प्लांट है डार्क पिंक हो गए थे, थोड़ा सा लाइट पिंक था और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, जो कि मैं नहीं छोड़ पाई। मैंने ये थ्री एग्लोनीमा की वैरायटी एक साथ ही परचेज़ की है, जो मैं टू आपको दिखा चुकी हूँ, थर्ड ये है। ये देखें ये थोड़ा सा चेंज है और इसका कलर लाइट है और ये भी कुछ डिफरेंट वैरायटी ही है। और इसका लीफ साइज़ बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा ये प्लांट।
और ये मैंने फौरन ही परचेज कर लिया। इस दफ़ा मुझे बड़े अच्छे प्लांट मिले हैं जो कि मैं कई अरसे से ढूंढ रही थी, क्योंकि कोविड में नहीं मिल रहे हैं और ये पता नहीं किस तरीके से मुझे ये प्लांट मिल गए। उनके पास बहुत सारे ऐसे वैरायटी बहुत सारी थी। ये मैंने ली है मलीर ब्रांच की नर्सरी से, ये मैंने प्लांट्स कुछ परचेज किए। सॉरी, ये वाली जो मैंने वैरायटी है ये मैंने DHS से ली है तीनों एग्रोनिमा की, और जो मैंने दूसरी एग्जॉटिक जो प्लांट हैं वो मैंने कुछ मलीर नर्सरी से और कराची यूनिवर्सिटी के इन फ्रंट ऑफ नर्सरी से मैंने कुछ परचेज किए हैं। 2-3 नर्सरी से मैंने 2-3 टाइम्स में ये जाके इन वीकेंड पे परचेज किए हैं, और जो मेरी इस वीक की और पिछले वीक की संडे शॉपिंग है। चलिए मैं और आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा मैंने जो परचेज किया है ये देखे कितना ब्यूटीफुल है, कितना नाइस है ये ब्रांड। ये क्रोटॉन की एक वैरायटी है जो कि मैंने पहले भी कई दफ़ा देखा है लेकिन मैं नहीं परचेज कर पाती। अच्छा, इसका छोटा सा प्लांट मैंने बहुत पहले दिया जो कि कई दफ़ा ये होता है ग्रोथ नहीं हो पाती है। मैंने क्रोटॉन के पहले भी छोटे छोटे प्लांट्स लिए हैं, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। ये छोटा तो प्लांट है लेकिन बहुत बुशी और बहुत ब्यूटीफुल था। वो मुझे प्लांट नहीं दे रहे थे क्योंकि ये शायद कोई साहब छोड़ के जा चुके थे, नेक्स्ट टाइम उनको ये लेना था, लेकिन मैंने इंसिस्ट किया तो मुझे ईजीली ये प्लांट मिल गया और बहुत ही अच्छे प्राइस में मैंने इसको परचेज कर लिया। देखिए कितना ब्यूटीफुल है इसका लीव, कुछ ओवल शेप में इसके लीव होते हैं और कर्ल इसके लीव होते हैं। अच्छा, इस प्लांट को मैं जल्द ही करूँगी रिपोर्टिंग, लेकिन 10 डेज से पहले नहीं करने का इरादा। अगर मैंने करा तो इसे पॉट से एकदम निकल सका तो मैं पॉट से मैं इसको निकाल लूँगी या पॉट में इसका तोड़ दूँगी ताकि ये मेरा प्लांट इतना वो ना हो और मैं इसके साथ, क्योंकि इसकी जो कंपोज अच्छी यूज़ की हुई है, मैं इसको बड़े पॉट में ऐसे ही कर दूँगी ताकि इस प्लांट को ज़रा भी मेरा प्लांट ये असर ना हो इस प्लांट पे। अच्छा, ये जो मेरा अभी ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, इसके अलावा मैंने क्रोटॉन की और भी वैरायटी पहले भी ली हैं। मैं कलेक्शन क्रोटॉन के प्लांट की भी कर रही हूँ जो कि एग्जॉटिक प्लांट हैं, उसमें से एक ये प्लांट भी है। इसमें लोकल प्लांट भी मिलते हैं जो कि थोड़े आपको कम रेट में मिल जाते हैं, और ये मेरा है एक ये है ये मैं अच्छा मैं ये वाला एक प्लांट लेके आई हूँ। एक क्रोटॉन की ये वैरायटी है जो कि मैंने परचेज की है, मेरा बहुत दिल था इसमें और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा मुझे इस वैरायटी में 2-2 प्लांट्स लगे हुए भी मिल रहे थे लेकिन वो इतने बुशी नहीं थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। उसमें ब्लैक कलर ज़्यादा था, इसमें येलो और ऑरेंज और रेड और ग्रीन का शेड ज़्यादा है तो ये मुझे ज़्यादा वाइब्रेंट कलर लगे तो मैंने फ़ौरन ही परचेज़ कर लिया। अच्छा, ये लाते हुए कुछ इसका जो कंटेनर है वो थोड़ा टूट गया था, मैंने इसको आते ही रिपोर्टिंग किया और इसको मैं थोड़े बड़े से पॉट में कर दिया ताकि इसकी रूट्स बढ़ें और ये प्लांट मेरा हेल्दी से हेल्दी होता जाए। और ये मेरे इस वक्त मैंने ये इस तरह के कि मैंने प्लांट इस वक्त लिए हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एक क्रोटॉन की समझे एक ये वैरायटी है और ये एक ये वैरायटी है जो मेरे इस वीक के प्लांट हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बहुत ही अलग प्लांट जो मैं 2 ईयर से ढूंढ रही थी और एक दफ़ा मुझे मिला है और नहीं दिया उन्होंने एक प्लांट होने की वजह से, और इस दफ़ा जब मैंने लिया काफ़ी सारे उनके पास प्लांट थे। ये देखें, ये एक है, ये मुझे प्लांट बड़ी ही मुश्किल से मिला है और बहुत ही मैंने मुश्किल से इस प्लांट को हासिल किया। जैसे ही मुझे मिला और बहुत कम रेट में ये मुझे प्लांट मिल गया क्योंकि ये छोटे से पॉट में लगे हुए थे, शायद इस वजह से उन्होंने मुझे दे दिए और वो अब रिपोर्ट करने वाले थे बड़े पॉट में, लेकिन मैं गई और मैंने फ़ौरन ही 2 प्लांट परचेज कर लिए ताकि मुझे दोबारा कुछ ऐसा मसला ना, ये ना हो मेरे कुछ ही वजह से प्लांट मर जाए, 2 प्लांट्स तो हों। ऐसा ये होता है तो स्प्रिंग के सीज़न में ये प्लांट्स होते हैं, इनके बेबी बनते जाते हैं और ये सिर्फ ट्यूबर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर एक ट्यूबर लगा हुआ होता है, छोटा सा होता है जो कि उसकी ज़रिए से इसकी ग्रोथ होती है। इसके अंदर फ्लावरिंग भी बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसको मैं कुछ अच्छे से ऐसे पॉट में लगाऊंगी, ग्रीन या थोड़ा पर्पलिश, ताकि कुछ कंट्रास्ट इस पर्पल फ्लावर जैसे प्लांट पर आए। ट्राइंगुलर के नाम से ये प्लांट है और देखें इसके लिए वैसे कुछ लगते हैं जैसे बटरफ्लाई हैं और इसकी बड़ी केयर करनी पड़ती है आपको। मैं इसके ऊपर भी कुछ सेपरेट वीडियो मेरे डालने का इरादा है। अच्छा, मैं आपको कुछ 1 by 1 करके इसके प्राइस बताऊं। ये प्लांट मैंने 250 का लिया है और एक प्लांट मैंने 250 का लिया और ये 2 प्लांट्स मुझे 500 के मिले हैं। ये बेस्ट मेरे लिए
क्योंकि ये डील है, क्योंकि ये प्लांट एक 350 या 400 से कम का छोटे से पॉट में लग सिंगल प्लांट नहीं मिलता है। अगर टू प्लांट होते हैं तो वो हमें 700-800 में देते हैं, मेरे लिए बड़ी बिग डील है और बड़ी मैंने डिस्काउंट प्राइस में ही प्लांट भी हासिल कर लिया है। इसके अलावा ये देखें, ये प्लांट मैंने, और मेरा एक ये प्लांट है जो कि मैंने ये प्लांट एक ही नर्सरी से लिए हैं, और ये तीनों प्लांट ला के मुझे 2500 में मुझे पड़े हैं। इतनी और थोड़े से मुझे कॉस्टली लगे तो थे, लेकिन मैंने डिस्काउंट के बाद मुझे ये 25 में मिले हैं, लेकिन 1000 से कम में और जगहों पे नहीं मिल रहे थे, और जिससे छोटे लीफ थे और इतनी ब्यूटी नहीं थी, लेकिन मैंने फ़ौरन ही थ्री प्लांट एक साथ ही परचेस कर लिए। इसके अलावा क्रोटॉन की मेरी एक ये वैरायटी है जो कि मैंने ये ली है, ये प्लांट मुझे 500 में मिल गया, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी डील है मेरे लिए, मैंने 500 में फ़ौरन ही इसको परचेस कर लिया। इसके अलावा ये वैरायटी है, ये मुझे बहुत ही कॉस्टली मिली है, सॉरी पता नहीं मुझे क्यों इतना कॉस्टली दिया है, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाई इसका, एक अलग से मैंने ये फ़ौरन ये लिया था, तो क्योंकि उसी वक्त थोड़ा थोड़ा पॉट टूटा हुआ था, आने तक रास्ते में बिल्कुल ही वो पॉट टूट गया, तो उन्होंने पॉट अलग से देकर ये मुझे कुछ 800 में पड़ा है ये प्लांट, और 200 का पॉट तो मुझे 1000 रुपीज़ हुए, 800 का तो ये प्लांट है ही। चलें क्या कर सकते हैं, कुछ एक आध प्लांट ऐसे आपको कॉस्टली मिल जाते हैं लेकिन आप नहीं छोड़ पाते हैं किसी वजह से। चलें, वैसे मैं आगे गई हूँ, मुझे डिस्काउंट में ये प्लांट मिल रहा था लेकिन मैं परचेज कर चुकी थी, अब कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं हैप्पी हूँ, मुझे कोई अफसोस नहीं है। मैंने वहाँ से हमेशा डिस्काउंट प्राइस में लिए ये प्लांट, पता नहीं उन्होंने कहाँ से लिया था जो उनको बड़े कॉस्टली मिला था। चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ, कुछ और न्यू वीडियो में हम आपको मिलेंगे, कुछ और न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें, और मेरी वीडियो बराए मेहरबानी जब भी आप देखें तो पूरी देखा करें, मेरी वीडियो को आधा नहीं छोड़ा करें, क्योंकि मैं इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो, इतने अच्छे प्लांट्स की वीडियो आप ही के लिए बना रही होती हूँ। दूसरा ये कि अगर मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगे और अच्छी लगती है आपको, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, एक सब्सक्राइब तो बनता है ना, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा ये आपको प्लांट्स कैसे लगे। मैं बहुत हैप्पी हूँ और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, मुझे बहुत केयर करनी पड़ेगी, बहुत अरसे में मुझे ये 4 ये 3 प्लांट मिले हैं, और मैं बहुत हैप्पी हूँ उनकी शॉपिंग करते। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।